नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान, आइए आपको रूबरू कराता हूँ देश प्रदेश की खबरों से। जनपद ललितपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 108 कन्याओं के हाथ पीले कराकर परिणय सूत्र में बांधने का महान कार्य किया गया। कार्यक्रम का आयोजन GTC ग्राउंड पर कमिश्नर झांसी संभाग एवं जिला अधिकारी योगेश कुमार शुक्ल, पुलिस अधीक्षक कैप्टन मिर्जा मंजर बेग समेत SDM व CO सदर की मौजूदगी में किया गया। उक्त अवसर पर 100 हिंदू एवं 8 मुस्लिम समुदाय के जोड़ों ने साथ में जीने और मरने की कस्में खाईं। कार्यक्रम में मौजूद श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ एवं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। नववधुओं को साज सज्जा हेतु अलग से इंतजाम न किए जाने के कारण उन्हें खुले पंडाल में ही सजना संवरना पड़ा। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मूलचंद। आप यहाँ किस लिए आए हैं? भांजे की शादी कराने। क्या है इधर व्यवस्थाएं क्या थी? बाकी तो सारी व्यवस्थाएं ठीक है, वक्त बढ़िया, लेकिन ये लड़की का चेंजिंग रूम की प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि सरकार अपन को क्या सुरक्षित कर रही कि बेटी को खुले में ना जाए, लेकिन ये इतनी सुविधा सरकार करने के बाद थोड़ी सी भी चेंजिंग रूम की कर देती तो बहुत अच्छी रहती। क्या महसूस हो रहा है अगर इस तरीके से औरतें यहाँ पर? नहीं, ये बहुत खराब फील लग रहा है हमको। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? ये रामसागर MP में पड़ता है। वहाँ से आए हो? मुख्यालय पर आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 108 जोड़ों की शादी की जा रही है। इसमें 100 जोड़े हिंदू धर्म पद्धति से और 8 जोड़े मुस्लिम धर्म पद्धति के आधार पर अपने वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं। पंडाल के नीचे इतनी शादियां एक साथ देखने को मिल रही हैं। मैं इस योजना की तहे दिल से इसका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छी योजना है, इसमें सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, पूरे जनपद से। सर, एक कमी देखने को मिल रही है पंडाल में, बधुओं को कपड़े बदलने के जो पहले बॉक्स बनाए जाते थे, आज एक भी बॉक्स नहीं है और खुले मैदान में लड़कियों को कपड़े बदलने पड़े, क्या कहेंगे सर? इसके लिए एक साइड में व्यवस्था की जानी होती है। मुझे ये बताया गया है कि ये लोग सुबह से यहाँ आए हुए हैं और अपने अपने रस्मों को निभा रहे हैं, जो यहाँ सामूहिक रस्म के अलावा, लेकिन पंडाल जो होता है, पंडाल सबके सामने ही हम लोग यहाँ बनाते हैं। सर, पंडाल जो भी वधु, व्यवस्था ये रहती है कि पंडाल के अंदर जब आप आए तो पूरी तरह से ये मान के चलिए कि ये पंडाल पूरा आपका वैवाहिक मंडप है। आपको मंडप के अंदर तैयार होकर के आना होता है। मंडप में आप कपड़े चेंज नहीं करते हैं, मंडप में तो आप तैयार होकर के आते हैं, ये व्यवस्था है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप मंडप पे आकर के चेंज करें। गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, देखिए मंडप में आप कपड़े क्यों चेंज करेंगे? ये तो मैंने कहीं व्यवस्था देखी नहीं। हमारी भी शादी हुई है, हम लोग जहाँ भी रहते थे तैयार होकर के मंडप में आकर के बैठते थे। पहले भी कार्यक्रम होते रहे हैं, एक कनातों के द्वारा बॉक्स बनाए जाते थे जिससे बधु पक्ष बैठता था। मैंने कहा ना कि इन्होंने अपनी जगह जहाँ ये लोग ठहरे हुए हैं वहाँ से पूरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गाड़ियों में अपने बैठ कर के आ रहे हैं। मैं दूर से देख रहा हूँ, ये विलंब इसलिए हो रहा है कि सब लोग एक साथ नहीं आए हैं। अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ये लोग आ जाए। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग से जो यहाँ गरीबों की हर वर्ग की शादियाँ, जिसमें 100 शादियाँ हिंदू धर्म वाली हैं और 8 शादियाँ मोहम्मदन की बच्चियों की हैं, सबका एक साथ में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तरीके से हम लोग उनकी शादियाँ शासन द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराई जा रही हैं। उनको उनके खाते में 33,000 रुपया कन्या पक्ष के खाते में पहुँचेगा, 10,000 रुपया उनका सामान दिया जाएगा बच्ची के लिए और 6,000 रुपया का उनके भोजन प्रसादी के लिए लड़की पक्ष को और लड़के पक्ष को दिया जाएगा और उनके जीवन की डोर हमेशा के लिए भगवान स्वरूप हमारी बहू और लड़के को, दोनों को आशीर्वाद हमारे संगठन द्वारा दिया जा रहा है और ये शादियाँ की जा रही हैं। जय हिंद।